हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक इंस्टा पे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने बालों में ऐसा कौन सा पैक लगाते हैं जिससे आपके बाल इतने ज़्यादा ग्लोसी लगते हैं, शाइनी लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपना ये हेयर मास्क शेयर करूँ, या हेयर पैक या हेयर कंडीशनर, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए आपको आपकी घर में ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा हेयर मास्क है ये, और कुछ भी बहुत ज़्यादा सामान जुटाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल से 4 या 3 इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे आपके, और बहुत ही अच्छा हेयर मास्क आपका तैयार हो जाएगा जिससे आपके बाल एकदम ग्लॉसी, शाइनी, सिल्की, स्मूथ हो जाएंगे और बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी आपके बालों में। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये हेयर मास्क कैसे तैयार किया है और किस तरीके से लगाया है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस हेयर कंडीशनर को रेडी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच दही यानी कि कर्ड, और मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली दही ले रही हूँ। तो आप भी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली इस क्वान्टिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फिगारो का जैतून का तेल है, ये ऑलिव ऑयल यानी कि आप चाहें तो किसी ब्रांड का ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच लगभग जैतून का तेल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बादाम का भी ले सकते हैं या नारियल तेल ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ डाबर हनी, आप चाहें तो हनी भी किसी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और हनी भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच के लगभग। ये देखिए, तो ये देखिए, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 एग जो कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा, और अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, फोक की हेल्प से फेंट रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इस सारे मिक्सचर को आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मिक्सर में भी इसका काफ़ी स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है। मैंने अच्छे से फेंट लिया है अंडे को, और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अंडा। दैट्स इट, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा हेयर कंडीशनर रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई करूंगी। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइस, कि अगर आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद यानी कि शैम्पू करने के बाद और बालों को अच्छे से सुखाने के बाद जब आप हेयर पैक लगाते हैं ना, तो बालों में बहुत अच्छी एक नई जान सी आ जाती है, बहुत ज़्यादा शाइनी लगते हैं, स्मूथ लगते हैं बाल, और तब हमें इसके बेनिफिट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारे बालों में इसकी जो यू नो गुड थिंग्स हैं वो अच्छे से समा पाती हैं, हमारे बाल अच्छे से पोषित हो पाते हैं। तो चलिए, अब मैं इस मिक्सचर को अपने बालों में आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ। मैं बालों में कॉम कर चुकी हूँ, मैंने अपने बालों को भी वॉश कर लिया है। दही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, दही से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, शाइनिंग हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल भी आपके 2 मुहे बालों की समस्या को ख़त्म करता है, बालों को स्मूथ भी बनाता है। यहाँ पर मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है, जो कि अंडा एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक माना जाता है। हेयर पैक में ये मेन इंग्रेडिएंट होता है कि अंडे से आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी बन जाते हैं, सिल्की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके बाल। प्लस ये आपके डैंड्रफ को दूर करता है, रूसी को दूर करता है। और यहाँ पर मैंने शहद का इस्तेमाल किया है, शहद से आपके बाल नरिश होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं। बालों में नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपके बालों को पोषण मिलता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि बालों के एजेस पे भी आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि अक्सर बालों के एजेस को हम यू नो एंड्स को हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मुहे बालों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, ये पैक आपके 2 मुहे बालों की समस्या को भी ख़त्म करेगा। तो ये देखिए, मैंने अपना ये हेयर पैक लगा लिया है, यानी कि हेयर कंडीशनर जो भी आप कहें। अब इस हेयर कंडीशनर को आपने अपने बालों में लगभग 1 घंटे तक रखना है, और 1 घंटे के बाद आप अपने बालों में जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब आप अपने बालों में देखेंगे कि कितना अच्छा चेंज आया है। और अभी मैं इस पैक को 1 घंटे के लिए रखने वाली हूँ, तब तक मैं अपने और घर के काम निपटा लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो हेयर कंडीशनर पैक है ये सूख चुका है, तो अभी बस मैं अपने बालों को वॉश करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो देखिए गाइज, अब मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, रिज़ल्ट आपके सामने है।
और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ गाइस, जब भी आप कोई भी हेयर मास्क या हेयर पैक अपने बालों में लगाएं तो आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, क्योंकि कॉम करने के बाद जो भी मटेरियल होता है वो आपके बालों में अच्छे से लग जाता है और अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। बालों को भी मॉइस्चराइज करना जी हाँ बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी स्कैल्प में ड्राइनेस ना हो। तो ये हेयर मास्क एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, ये हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये मेरा सीक्रेट हेयर मास्क है। अगर मैंने कहीं भी जाना होता है तो गाइस मैं सीरियसली इसी हेयर मास्क को लगाती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैंने जस्ट आपको बता दिया। ये इस हेयर पैक को मैं कम से कम 10-11 सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, तभी मेरे बाल आज भी इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं ब्लैक है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप मैरिड हैं तो आप ये हेयर मास्क अपने हस्बैंड को भी ट्राई कर सकते हैं या अपने ब्रदर को ट्राई कर सकते हैं, मतलब आपके घर में जो भी है इस हेयर मास्क को कोई भी लगा सकता है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप मेरी इस हेयर मास्क को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।